बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ल। हाँ जी, तो क्या हाल है जो मेरे चैनल में न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलें और मुझे बताएं, फीडबैक दें कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। हाँ जी, तो आज मैं आपको सबसे पहले क्या करती हुई नज़र आऊँगी कि मैं कुछ घर की ग्लासरी जो सी है ना वो परचेज़ करती हुई नज़र आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, क्या क्या नई चीज़ें मैं ले के आई हूँ अपने किचन के लिए। हाँ जी, तो जब भी मेरा मूड ऑफ हो तो मैं सबसे पहले, लोग कहते हैं जी मैं खाना करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो आज मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊँ। जब मेरा मूड ऑफ हो या मेरा बीपी शूट हो तो मैं चली जाती हूँ सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए, ग्रीन ग्रीन सब्ज़ियाँ, रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ। और ये देखिए कैप्सिकम कितनी मज़े की दो कलर की, हाईलाइट कलर का तो सूट भी बड़ा सोना लगे, है कि नहीं? आप यकीन करें, आपको एक ज़बरदस्त आइडिया मैंने दे दिया, रेड और येलो, वाह वाह क्या बात है जी। अब कौन कौन गर्मियों में इस कलर का कौन सा है वो कंट्रास्ट ला रहा है मुझे बताएं, मुझे तो आइडिया मिल गया है, ये तो ज़बरदस्त है। वाकई अगर आप ज़िंदगी को देखें तो अगर आप खुद चाहें तो अपनी ज़िंदगी में रंग बिरंगे जो हैं वो रंगों को भर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को डल करना चाहें तो ये भी आपके हाथों में है, ठीक है ना? जैसे अगर ये कलरफुल सब्ज़ियाँ देखें तो अल्लाह पाक ने ये पूरी ज़िंदगी और ये यानी कि चीज़ों से भरी हुई है और हर जो चीज़ है वो रंग बिरंगी है, कोई किसी रंग की है, कोई किसी रंग की है, कोई किसी रंग की है। ये तो हम लोग इंसान हैं जो बार बार हम कहते हैं हम ये नहीं से, हम काले हैं, मोटे हैं, ये हैं तो वो हैं, बनाया तो खुदा की ज़ात नहीं है ना, तो बनाने वाली इतनी खूबसूरत ज़ात है रब की, तो उसने हमें कुछ सोच के ही बनाया होगा, है कि नहीं? है मैं नहीं कहती कि मैं बड़ी सोनी हाँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही शुक्र किया करें। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ख़रीदने लगी हूँ भिंडियाँ, और भिंडियाँ मैं पाई जा रही थी, पाई जा रही थी, पाई जा रही थी, और भाई मेरा कहता है जी चुन चुन के लो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या पक्की शक्की भिंडियाँ बाहर डाल रही हो? लेकिन मुझे आइडिया था कि इतनी हरी कचूर भिंडियाँ होन तो कभी पक्की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी भाई ने अंदर से कूलियाँ कूलियाँ ली, ठीक है। और इनको जब पकाएँ आप अनारदाने में या इसमें कैरी डालें तो आप यकीन माने इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी टेस्टी बनेगी। इसके साथ होगा सैलड और साथ भिंडियाँ दोपहर का टाइम, और इतनी गर्मी नहीं, गर्मी नाल एसी लगा हो तो फिर ही काम चलता, वरना जिन्ना 51 के उत्ते सियालकोट च गर्मी पैन रही है ना, लग पता जान रहा है सारिया नू। हाँ जी, मैंने नाम लिया केरियों का, तो देखें मैंने आप लोगों को केरियाँ भी दिखा दी, ये खट्टे खट्टे आम छोटे से मेरे, मैं तो बस ले लिए, अभी तो मैंने सिर्फ लिए थे कोई आधा केजी के करीब, ताकि मैं भिंडियों में डाल के जो सा वो बना सकूं। तो आप मुझे बताएं ज़रा, ये मेरी ट्रॉली है, ट्रॉली में कद्दू हैं, भिंडियाँ हैं, ये दो चार आपको पाँच छः चीज़ें नज़र आ रही हैं, आज हमने क्या बनाया होगा ले के आके, भिंडियाँ के कद्दू के कुछ और, ये भी आपने बताना है और बिल्कुल ईमानदारी से गेस्ट से बताना है आपने क्या हर हमने आज क्या पकाया होगा। हमारे शहर सियालकोट में बहुत गर्मी पड़ रही है, आप बताएं आपने अपने सिटी में, आपके सिटी में कितनी कितनी गर्मी पड़ी हो? प्लीज़ जब मेरा चैनल देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, प्लीज़ मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है कि मेरे व्यूवर्स कैसा पसंद करते हैं मेरे चैनल को और कैसा नहीं।
सब्जियां लेके मैं थक गई, अब मैं क्या करूं। हाँ जी, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ खाना है, तो भाई ने मुझे लेके दिया क्या ये मिक्स फ्रूट्स, इतना मज़े का। और मैंने अच्छा अच्छा चुन के अंदर से खा लिया, और मुझे कुछ कह भी नहीं थे सकते कि ना खा। फिर वही बात आ गई, मनु ना कहियो मैं बीमार हूँ। इंसान थोड़ा सा बीमार हो जाए ना तो ब्लैक ब्लैक मेल ज़रूर कट सकता है। हाँ जी, तो ये है मेरे हाथ में मिक्स फ्रूट, भाई मिक्स फ्रूट जूस इतना मज़े का था ना, इतना मज़े का। और इतनी गर्मी, लेकिन इम्तियाज़ माल में बहुत ज़बरदस्त उनका माहौल था, गर्मी सर्दी कोई कोई पता नहीं था, एवरेज उनका मौसम था। तो लेकिन घूम घूम के चुन चुन के तो चीज़ें ले लेके तो इतनी थकावट हो गई, और इतनी बार जब गर्मी आई लग पता गया मुँह दूसरे पास लग गया, होश आ गई। फिर असी पड़िया दवाना, तो दवाने लवाया टैग, तो टैग लवा के फिर वापस रख छिया, क्योंकि चुक के कहने लियाना ही, लेकिन यही के दवाना बड़ा सोना ही। हाँ जी, तो एडे एडे सोने कप किसको पसंद है भाई, क्राकरी मुझे, मैं और क्राकरी कहीं जाऊँ और मैं ख़रीदूँ ना और मैं देखूँ भी ना, ये कहीं हो नहीं सकता। मेरे घर वालों को पता है कि इसको टेंशन लगी हो ना, यहाँ तो उसको सब्जियाँ खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए ले जाओ, या किचन की जितनी भी जो उनसी है ना आइटम्स ये खरीद सकती है। यकीन माने, मैंने इधर से इस साइड पर जब मैं आई तो इतनी दुआएँ मेरे दिल से अपनी वालदा के लिए निकली, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नत में घर दे। इतनी खूबसूरत मेरे माँ बाप ने मुझे क्राकरी दी हुई है, मैं कई दफ़ा ज़रूर अपनी क्राकरी जहेज़ की जोन से, अभी तो आधे बर्तन निकले हुए हैं, आधे नहीं मैंने निकाले, उसकी पैकिंग वहीं की वहीं हुई हुई है, जैसे मेरी अम्मा ने उसको गोलमटोल करके उनको सूतर लगा के तो चढ़ाया हुआ था। तो इतने खूबसूरत बर्तन मेरी वालदा ने मुझे दिए हुए हैं, यकीन माने कि मैं जब इधर देखा तो वो इतने मसलन के बहुत कास्टली थे, तो मैंने कहा कि मैं कैसे ऐसे अल्लर पल्लर यूज़ कर लेती हूँ ना, लेकिन अब मैं जोन से बड़े संभाल के रखूँगी, बेटी को भी अंदर से दूँगी ताकि वो भी याद रखे कि मेरी नानों ने मेरी माँ को कितने खूबसूरत दिए थे, मेरी माँ ने आगे से गिफ्ट दिया था, क्योंकि इसको जहेज़ ना कहें, जहेज़ तो एक लानत है, तो लानत असीं लैंदे नहीं, ये सिर्फ गिफ्ट है, चलो धियां नूं मिलदा अपने पेकियां वालों। तो अल्लाह ताला सब नूं हिम्मत दे, सब देन। मैं जाऊं चीज़ें ख़रीदने के लिए और मैं बेकिंग और ये वो चीज़ें ना खरीदूँ, ये कभी हो नहीं सकता। मेरा बस चले तो मैं उधर तो रोना डाल के बैठ जाऊं, बच्चों की तरह मुझे लेके दो। खैर, मैंने थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने बर्तनों में क्या क्या ख़रीदा। और मैं बल्कि ये भी देखती रही कि मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर मैं अपने दिल से दुआ दूँगा, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नतों में आला मुकाम दे, हर वो चीज़ उन्होंने मुझे दुनिया की दी हुई है कि जिसकी मुझे कई दफ़ा ज़रूरत नहीं भी पड़ती, पैक पड़ी हैं, तो मेरी वालदा ने वो भी दी हुई हैं। अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे, हर कोई अपनी बेटी को तोहफे तहफ़ दे। हाँ जी, आप जाएं एक छोटी सी चीज़ ख़रीदने तो इम्तियाज़ माल में ये बात है कि आप जब वापस निकलते हो तो बिल आपको अपना लंबा सा बिल आपको आपके हाथ में थमा दिया जाता है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। अल्लाह की कसम, हम लोग जब ख़रीदते हैं ना तो फिर हम नहीं आगे पीछे देखते कि हमने क्या ख़रीदा है तो क्या नहीं ख़रीदा, हम कहते फिर अन्नी बात हो हूँ, ऐ भी लेना तो ऐ भी लेना तो ऐ भी लेना, तो घर वाले फिर मजबूर होते हैं। ये आगे हम घर घर आके फालसे का जूस, फालसे में ले के आई थी और फिर भाभी ने फटाफट फालसे का जूस बनाया, इतनी अंदर से इतनी ठंड और बाहर जब निकले गर्मी, अल्लाह उफ़ लग पता गया मुँह दूजे पास लग गया। हाँ जी, जिसने जिसने गैस लगाया सच्ची सच्ची बताना, झूठ ना बोलना। मैंने आपको बताया था हम बनाएंगे भिंडियाँ के कद्दू, तो मैं कह रही थी कि इस व्लॉग में मैं ना डालूं, लेकिन बेईमानी करने को दिल नहीं किया तो सो मैंने डाल दिया। ये छील रहा है जी, मेरा भतीजा कहता है आप बनाएं वीडियो, तो मैं आप बताना कि मैं बड़ा काम ही पुत्र हूँ। मैं कहा हाँ, ये तो सबको ही पता, आजकल बच्चे सारे कह रहे हैं काम कर ली, पढ़ना ना पे, लेकिन फिर मैं डंडा उठा लेती हूँ, कर पन पासे तो नहीं देती, लेकिन लग जुबान ही बड़ी मेरी डाडी सीधे हो जाते हैं, फिर बाजी बाजी करते हैं, बुक्स लेके बैठे होते हैं। तो हाँ जी, ये आज हमने बनाया फिर कद्दू और चिकन, इतना टेस्टी, और फिर बनाया खूबसूरत सा सलाद, और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा कैसा सलाद और उसमें कौन कौन सी मैं चीज़ें लेके आई थी सलाद की। मैंने जो परचेज़ किया, मैंने वेज सारी खरीदी, चिकन ख़रीदा, उसके साथ मैंने सारी की सारी सैलड का खूब सारा सामान लिया, और मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स ली, और फ्रूट्स लेके मैं घर आ गई। आज का दिन गर्मी से इतना
इतना भरपूर था कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोगों ने गर्मी को दूर करना है तो आपका मैं एक वजीफ़ा बताती चाहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जोन से ना क्या कहते हैं नमाज के बाद ना दो तस्बीह पढ़ें। तो जब पांच नमाजें हैं तो आपने दिन में पढ़ा 1000 दफ़ा, तो जब 1000 को ऐसे काउंट करते जाएँ तो इंशाल्लाह ज़वज सवा लाख बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप जब दुआ मंगेंगी दुरूद पाक, तो वो वाहि चीज़ है कि जब आप पढ़ते हैं तो फ़ौरन ही जोन से वो तोहफे की तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली जाती है। तो जब मैंने आप मेरे इस बात पर अमल करेंगे तो मुझे भी इसका स्वाद मिलेगा। दुआ में याद है कि अपना बहुत याद है कि अल्लाह हाफिज़।